वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने जो बोर्ड पे लिखा है अभी वो फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। मैं थर्ड क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा हूँ? बिकॉज वो थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड में है और उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करके आप लोग को साइड में बता देता हूँ वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन द ऑरेंज गार्डन, ठीक है, ऑरेंज का गार्डन है, देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 153। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 150। जो जो चीज़ दिया हुआ है साइड में लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। ओके, तो जो भी कॉलम में है, ठीक है, मान लीजिए जो कॉलम में नंबर ऑफ ट्रीज हैं ये कितने हैं, जो भी कॉलम में नंबर ऑफ ट्रीज है वो क्या है? x। तो रोज में, ठीक है, जो भी रोज में कॉलम होगा वो होगा x प्लस 5, ठीक है। तो जो भी बोला है ना, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में, ठीक है, जितना भी क्या है ट्रीज है वो कॉलम से 5 ज़्यादा है। सिंपल है, ठीक है। अभी क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। अभी आपको क्या करना है, सिंपल, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x दिया है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज कितना हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर। अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपको ऑलरेडी दिया था 150, राइट। तो अभी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आप मल्टीप्लाई करोगे c मल्टीप्लाई बाय r, जो भी कॉलम में थे उसको मल्टीप्लाई करोगे रोज से, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, राइट, बराबर है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, कॉलम का क्या था? x था। रोज का क्या था? x प्लस 5 था, सही है कि नहीं? इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे? 150। फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व इट, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। सो वो आंसर कैसे निकालना है आपको, आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, x का वैल्यू तो फाइंड करना ही है, प्लस आपको x प्लस 5 का भी वैल्यू फाइंड करना है। क्यों? क्वेश्चन में पूछा है हर एक कॉलम में कितने हैं ट्रीज और हर एक रो में कितना है, ठीक है। तो एक कॉलम में तो इतने हैं और एक रो में इतने हैं, तो सिंपल ऐसे आपको सॉल्व करना है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मेक श्योर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसको आप क्या करोगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो देखो फैक्टराइजेशन फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या, एंड स्टार्ट, राइट, एज सिंपल एज दैट। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस गो ऑन द फोर्थ सम, राइट। ये विवेक इज ओल्डर देन किशोर, ठीक है, मैंने इतना पढ़ा है। अभी मेरे को ये चीज़ पता चला कि एक यहाँ पर है विवेक नाम का इंसान और एक है किशोर, ठीक है। तो अभी विवेक जो है वो किशोर से क्या है, बड़ा है, मुझे इतना पता चला, ठीक है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर मीन्स वॉट, विवेक इज ओल्डर देन मतलब वो बड़ा है, विवेक क्या है, बड़ा है किशोर से, बस इतना पता है। अभी ये भी पता चल गया बाय 5 years, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर किशोर का प्रेजेंट एज है x, क्या है, अरे है कि नहीं, किशोर छोटा है ना, तो छोटे वाले का ले लीजिए x, बराबर। तो जो भी किशोर का एज मैंने क्या पकड़ लिया, x, तो विवेक का कितना होगा? विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 साल, ठीक है। मतलब विवेक का जो एज हुआ x प्लस 5 हो गया, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, सम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, ठीक है। तो किशोर का एज का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है। अगर ये खाली x आपको दिख रहा है तो आप रॉन्ग हो, ठीक है। मैथ्स इज ऑल अबाउट अ गेम, ठीक है। गेम में एक हिडन रूल होता है, आप कोई भी वेरिएबल लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो या कोई भी इंटीजर लिख दो, राइट, उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, बराबर है। सर वाई नॉट 0, दैट इज़ अनदर कंसेप्ट। अगर आप मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा कि अगर कोई भी नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो वील डू इट इन लेटर हाफ, जब हमको टाइम मिलेगा तब, बट अभी फिलहाल हमको इधर कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। क्या बोला है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है, ऑफ देयर एजेस इज 1, अच्छा ठीक है, दोनों का एज का रेसिप्रोकल है, मतलब इसका भी 1/x + 5, राइट है।
क्या बोला है, इज वन अपॉन सिक्स, इज वन अपॉन सिक्स, बराबर। तो ये हो गया, अभी यहाँ से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। कोई भी चीज़ टफ नहीं है मैथ्स में, ठीक है, दिमाग में ये रखो कि हाँ सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा, बराबर है। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने जो किशोर थे भाई साहब, जो छोटे वाले थे, उनका एज क्या बोल दिया था, एक्स। तो मैंने बोल दिया था लेट किशोर्स एज, बराबर, लेट किशोर्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, बराबर, बी एक्स ईयर्स, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर विवेक्स, विवेक का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, विवेक्स प्रेजेंट एज विल बी एक्स प्लस फाइव, राइट। अभी नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बराबर, क्या बोला था कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये बोला था, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज वन अपॉन सिक्स, ठीक है, मतलब वन अपॉन एक्स प्लस फाइव प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स, एज सिंपल एज दैट। अभी जब कभी भी ऐसा कुछ दिया है रेसिप्रोकल टाइप में दिया है, यहाँ से कोई भी चीज़ अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। याद रखना, बीच में जब प्लस या माइनस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसा ऐसा और नीचे वाला भी, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, मतलब x हो गया बीच का प्लस का साइन प्लस, और ये x प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस फाइव, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये x और ये दोनों मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स, बराबर है, ठीक है। तो अभी आगे क्या हो जाएगा, आगे देखो, x और x मिलके 2x हो गए प्लस 5 हो गया, डिनोमिनेटर में ये x और ये x मिलके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर हो गया, बराबर। और ये x और ये 5 को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 5x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, ठीक है। अभी ऐसे आपने लीनियर फॉर्म में कर लिया है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इधर भी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो इधर हो जाएगा मेरा 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, राइट है। अभी इसको क्या करना है, उधर, और जब कभी भी देखो बीच में क्या आ जाए, इज इक्वल्स टू साइन, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, सही है। तो वैसे कर लेते हैं, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बना, ये तो ऊपर चला गया, मतलब इज इक्वल टू के उधर भेज देते हैं उसको, ये इधर भेज दो इसको, 6 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5, और उधर तो ये x स्क्वायर प्लस 5x ही रह जाएगा, ठीक है। 6 टू ज़ा कितना होता है, हाँ पता है, 6 टू ज़ा 12 होता है, 6 5 ज़ा कितना होता है, 30 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों जन को भी उधर ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इन दोनों को उधर लिया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर 12 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12x, बराबर, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो अगेन ये भी माइनस 30 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, अभी देखो ये माइनस 12x है और ये प्लस 5x है, मतलब माइनस प्लस में माइनस करना है, ठीक है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को 12 माइनस 5 कर लो, क्या बच गया, 7 बच गया x, ठीक है, और माइनस साइन, उसके बाद माइनस 30 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ ये बना अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर है, ये क्या बना अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, बराबर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार, क्या अपना इक्वेशन बराबर है कि नहीं, ये 12x था, ये 5x था, मतलब 12 माइनस 5 तो 7 हो जाएगा, और ये माइनस 30 का ऐसे ही, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ये करना है कि देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है,
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आया, जैसे ही एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपने माइनस 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 30 ही रहेगा, बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो जब आप ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, माइनस 30 आना चाहिए, एड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, माइनस 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देख लो कि कौन सा पैर बनता है, ठीक है, राइट, हाँ, तो देखते हैं कौन सा पैर बनेगा। एक तो होता है 10 3 जा, बराबर 10 3 जा कितना होता है 30, देखते हैं 10 3 जा 30 होता है, बराबर है, ठीक है। अभी बोलोगे कि साइन कौन सा अलॉट करना है कि नहीं, ये देखो मिडल वाला साइन कौन सा है, माइनस है, बराबर, और लास्ट वाला साइन भी माइनस है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने का है, मिडल वाला साइन कौन सा है, माइनस ना, तो इसी को क्या दे दो, माइनस दे दो बड़े नंबर को और छोटे नंबर को प्लस दे दो। इफ़ यू विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट माइनस 30, राइट, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी माइनस 7 मिल रहा है, कभी कन्फ्यूज़ नहीं होने का, राइट, मिडल वाला साइन देखने का, ठीक है, अगर माइनस तो बड़े वाले को माइनस, ठीक है, अगर प्लस तो बड़े वाले को प्लस, बराबर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों को अंडरलाइन करो, ये दोनों को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद क्या कॉमन आ रहा है, इधर x कॉमन है तो x माइनस 10, और इधर क्या कॉमन है प्लस 3, तो अगेन इधर क्या बच गया x माइनस 10, बराबर है, इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो x माइनस 10 एक बार लिखूंगा और x प्लस 3 एक बार लिखूंगा, बराबर है, इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू x क्या होगा, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 होगा और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये देखो x इज इक्वल्स टू 10 है कि नहीं, ये x माइनस 10 है ना, उधर जाएगा तो प्लस 10 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3, राइट है। तो या तो x का वैल्यू x क्या है 10 है, या तो x क्या है माइनस 3। तो जब ये कर लिया आपने, दोनों x के वैल्यूज क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, तो अभी क्या फाइंड करना था हम लोग को, इनका प्रेजेंट एज फाइंड करना था, ठीक है। तो ये x किसका है, देखो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अगेन यहां पर लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। बट x क्या था, x था किशोर का एज, बराबर है, ठीक है, x किसका था, किशोर का एज, जिसको आप लिख सकते हो देयरफॉर किशोर्स एज, बराबर, किशोर्स एज इज इक्वल्स टू 10 years, बराबर। x प्लस 5 क्या था, x प्लस 5 था किसका एज, विवेक का एज, बराबर, विवेक्स एज, ठीक है। तो x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5, विच इज नथिंग बट विवेक्स एज, बराबर। तो अभी इसका क्या हो गया 15 years, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आप लिखोगे, ये विवेक का एज है, विवेक्स एज डायरेक्टली मैंने लिख दिया ऐसे, तो जो भी फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, किशोर्स, देयरफॉर द किशोर्स एंड विवेक्स एज आर 10 years एंड 15 years रिस्पेक्टिवली, बराबर है। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं सब सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है, बट मेक श्योर कि इसका प्रॉपर नोट्स आपके पास हो, ठीक है, एक बार नहीं समझा वापस से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू।